से कबूतर जानवरों को ऊंचा पंछियों का। इस धरती ने सभी को बराबर जीने का अधिकार दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की विडंबना है कि हम मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं। इंसान पर जब विपत्ति आती है तब कोई ना कोई संगठन खड़ा हो जाता है, सरकार खड़ी हो जाती है, बीएमसी खड़ी हो जाती है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए कानून बनाए गए हैं। 2002 में एक्ट बनाया गया, किसी भी पक्षी को किसी प्रकार से प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी मुंबई के अंदर में पता नहीं क्या गलतफहमी है इनको, या बीएमसी को, किसी पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसको क्या पता है, कोई पता नहीं है, लेकिन मुंबई के अंदर में लगातार कबूतर खाने बंद किए जा रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर कबूतर खाने बंद किए जा रहे हैं, या तो उनका कोई विकल्प तैयार किया जाए, यानी उनको रहने की खाने की सुविधा दी जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इनको बंद करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है, ना कि सरकार को, ना बीएमसी को, ना किसी पार्टी को। और दूसरी बात, यह आंकड़ा मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से, पिछले साल 2018 में 2 मिलियन पक्षियों की हत्या हुई है। हत्या मतलब उनकी मृत्यु हुई है, तो हम इसको हत्या इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारे कारण हुई है, हम लोगों ने इनको प्रताड़ित किया है। आज कितने कबूतर खाने बंद हुए हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन वायर्स पर जाकर बैठते हैं, जिसके कारण पिछले हर महीने, ये आंकड़ा कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, 20,000 कबूतर और चिड़ियाएं की मौत हो जाती है सिर्फ हाइपरटेंशन वायर पर बैठने से। तो ये अनुमान लगाया जाता है 2 मिलियन बर्ड्स की हर साल मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार, हम, या कोई और कोई अधिकारी जिसको ये बंद कराने की पड़ी हुई है? हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये प्रशासन को, ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है हम सभी भाइयों की तरफ से कि सेव बर्ड्स, प्लीज़ सहायता कीजिए। ये बेजुबान जानवर किसी से रो नहीं सकते, अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते, इनका घर मत छीनिए, इनको बेघर मत कीजिए, और इनकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। जय हिंद, जय भारत। कमाल जी, आपके आज विरोध प्रदर्शन पंछियों के, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को अपना प्यार भरा प्रणाम देना चाहूँगा, नमस्कार कहना चाहूँगा। एक्चुअली आज जैसे कि कई साल पहले ये पता चली थी कि हमारे देश में पेड़ों की संख्या बहुत कम होती चली जा रही थी, तो फिर एक ही नारा चला, हर किसी ने ये नारा मारा कि पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, हर किसी ने मारा। अभी पाँच साल से मैं एक नारा ये सुन रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा आज तक किसी ने नहीं मारा कि जो आज पक्षी हैं, आज भारत में जैसे कि हम सुबह उठते थे, हर एक व्यक्ति पंछियों के, चिड़ियों के चहकने से उठता था, लेकिन आज जब सुबह होती है तो ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि पंछी और चिड़िया चहकती नहीं, वो ज़माना बहुत दूर चला गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं इंसान की सुविधा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पंछियों को जितना बचाया जाए, जितना सेव किया जाए, जैसे कि एक नारा ये चला था पेड़ बचाया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह से अब ये नारा देश के हर एक व्यक्ति को ये नारा बोलना चाहिए कि पंछी बचाओ पंछी बचाओ पंछी बचाओ, क्योंकि पंछी पक्षी जो आज हमारे दुनिया में, ब्रह्मांड में, जैसे कि मनुष्य का जितना हिस्सा है, पेड़ों का जितना महत्व है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जितना महत्वत्व है, उतना ही महत्वत्व हमारे संसार को पक्षियों का है। आपने सबने देखा होगा जब हम लोग सुबह सुबह उठते थे और चिड़िया और पंछियों के चहकने से हम लोग उठते थे, लेकिन आज वो सब हमारे पास, वो जो चिड़ियों का चहकना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना हो सके पंछियों को बचाया जाए, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि धूप में हम लोग तो कहीं भी जाके पानी पी लेते हैं, ये तो चल भी रहा है कि धूप में पंछियों के लिए कहीं ना कहीं छतों पर पानी रखा जाए, हर जगह पंछियों के लिए उनको चुगने के लिए दाने रखे जाए, पंछियों का बहुत ख्याल रखा जाए। बस यही मेरा अनुरोध है, विरोध है और निषेध है। और ये जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि महाराष्ट्र में पंछियों के जितने भी कबूतर खाने हैं, जितने भी अड्डे हैं, उसको यहाँ की जो मुस्लिम पार्टी, जो भी पार्टी है, वो उसको धीरे धीरे उसको हटाने के चक्कर में लगी है। लेकिन ये मेरा अनुरोध है कि पंछियों को उनकी जगह से ना हटाया जाए, और जितना हो सके उनके लिए साधन अनुसाधन जितना भी किया जाए वो कम है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और पूरे भारत को नमस्कार करता हूँ। पंछी बचाओ पंछी बचाओ पंछी बचाओ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ पे शहर से बोलते हैं कि जंगल से भगाया जा रहा, तो शहर में शहर से भगाया जा रहा, तो उनका कोई ठिकाना, उनके लिए पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे जो ये ऑर्गेनाइजर है बंद कर रही ये सब संस्थाएं? सर्वप्रथम मी इथे उपस्थित सर्व माझ्या सहकाऱ्यांचे मी आभार मानतो की आज या ठिकाणी सर्व सहकारी येऊन जे आज पक्षी वाचवण्यासाठी जी मेहनत घेत
सुविधा आहेत हे बघून मला फार आनंद होत आहे। आज आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे चौकीदार या नावाने प्रसिद्ध झालेले आहे, तसंच मी या पक्षांना वाचवण्यासाठी पक्षांचा चौकीदार बनण्याचा माझा निश्चय आहे आणि मी चौकीदार बनेन आणि पर्यावरणाला समतोल करण्यासाठी हे पक्षी हे परमेश्वराची निर्मिती आहे, ही मानवाने निर्मिती केलेली नाही आहे आणि या ठिकाणी परमेश्वराची निर्मिती हटवण्यासाठी मानव तयार झालेला आहे। आणि आज प्रत्येक बिल्डरच्या फायद्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी बिल्डर मोठमोठे बिल्डर हे सगळे कबूतरखाने पक्षी झाडे सगळ्याची तोडून वाट लावत आहेत, याला एकच फक्त बिल्डरला मदत करण्याचा यांचा हेतू आहे। हा हेतू माननीय पंतप्रधान यांनी या कबूतरांसाठी पक्ष्यांसाठी जे ह्याच्यामध्ये वावरतात झाडं सगळी कापून नष्ट केल्यामुळे पर्यावरण नष्ट होत आहे आणि पुढे आपल्याला ऑक्सिजन घेणं मुश्किल होईल आणि याच्यातून आपल्याला ऑक्सिजनसाठी सुद्धा बाहेर ऑक्सिजन मिळणार नाही। सर्व झाडांची कत्तल होत आहे पण याच्याकडे कुठलीही कारवाई होत नाही आणि ह्याच्यामध्ये असा कायदा तयार करायला पाहिजे की झाड कापल्यावर त्याच्यावर मनुष्यबळाचा गुन्हा दाखल करून त्याला जी सजा आहे मनुष्यबळाचा गुन्ह्याला ती सजा त्या झाड कापणाऱ्यावर जर केली तर ही झाडं पण नष्ट होणार नाही आणि पर्यावरण जे आपलं आहे तिचं समतोल राहील आणि कोणालाही पक्षी यांनासुद्धा अशी रस्त्यावर यायची गरज पडणार नाही, त्या झाडावरती ते आपला निवारा करू शकतात। पण माणसाने सगळी झाडं कापल्यामुळे पशुपक्ष्यांना हे रस्त्यावरती येऊन हे करावं आपला निवारा करावा लागतो, जसा आपला परिवार आहे तसा त्या पक्ष्यांचा सुद्धा परिवार आहे हे प्रत्येकाने जाणायला पाहिजे आणि प्रत्येकाने त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे। आपल्याला तोंड आहे, हात आहे, पाय सगळं आहे, आपण काहीही करू शकतो पण पक्ष्यांना तोंड नाही, बोलता येत नाही, त्यांना बोलता येत नसल्यामुळे ते आपली वेदना सांगू शकत नाहीत। या सगळ्याचा विचार करून आपण या पशुपक्ष्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे आणि माझे सहकारी नक्कीच प्रयत्न करतील आणि या पक्षासाठी सगळे चौकीदार बनून त्यांची सेवा करतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मला सांगणार की तुम्ही पक्षीलासाठी समय काढून आले इकडे, दुसरे सगळेला मी निवेदन घेतो की आता हे समय मधून सगळेला विचारायचे आहे की मुंबई मधून पर्यावरणाची किती कमी होते, पक्षी असेल तर पर्यावरण असेल, पर्यावरण नाही तर सगळेला तकलीफ होणार, तो सगळेला प्रश्नाला विचारायचे आहे। ते पक्षी कोणाला मागू नाही शकतात, आपण तो किती हात मागू शकतात, मेहनत करू शकणार, पक्षी काय कुठं करणार, तो सगळेला एक मेसेज द्यायचा आहे की आपले सगळेच पक्षीचे चौकीदार आहे आणि चौकीदार समजून आत्मरक्षा समजून जे आपल्या ज्या खुदीच्या रक्षा करते त्यांच्या रक्षा करते आपला खुदचा फरज आहे आणि फरज सगळेला नानचं नान आणि बडे सगळ्या व्यक्तीला हे करायचे आहे की हर व्यक्ती हर को न्याय द्यायचे, कोणाला अन्याय नाही करायचे, पक्षीचे कोणी मी मारू नाही सकते, हे खास निवेदन सगळेला आणि अपना शक्तीप्रमाणे कोई अनुदान आप दे सकते है, कोई पक्षीला चंड दे सकते और गर्मीमधून आता पाणी द्यायचे आहे, हे सगळेला मेसेज सांगतो आणि BMCला आणि गव्हर्नमेंटला मी सांगतो की तुम्हाला खास नम्र विनंती आहे ते ह्याच्यामधून तुम्ही सपोर्ट करा, नको तुम्ही ह्याच्या काही विरोध नको करा, एवढी तुम्हाला सगळ्याला विनंती आहे। जय महाराज, जय भारत, जय जिनेंद्र। आता हम बात करना चाहेंगे BMC के बारे में, तो हमारे अगर देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार जो BMC जिनके हाथों में है वो है शिवसेना पार्टी। तो बाला साहब ठाकरे का खुद सपना था कि महाराष्ट्र और मुंबई शहर को खूबसूरत बनाया जाए, पर ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। BMC ही सारी कबूतरखाने को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंक रही है, क्यों गलत है। आज हम सेफ बर्ड्स का नारा जो लगा रहे हैं, सेफ बर्ड्स, सेफ बर्ड्स, सेफ बर्ड्स, वाई? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जब बचेगी जब हम बर्ड्स की ज़िंदगी बचाएंगे। यहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती समझ रहा है, बर्ड्स की ज़िंदगी को बहुत जीरो समझ रहा है, वो गलत है। यहाँ पे हम दाना दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बर्ड्स को लाकर पानी पिला रहे हैं, क्यों? अब यहाँ पे लिखा हुआ कुछ दिन पहले ही हमने 9 मार्च को यहाँ पे एक और हमने आंदोलन किया था सेफ बर्ड्स को लेकर, उस टाइम यहाँ पे लिखा था कि फीडिंग नॉट अलाउड, खाना यहाँ पे कबूतरों को खिलाना मना है, वो हमने आंदोलन किया था, वहाँ से बोर्ड हटाया गया। अब यहाँ पे नोटिस दिया जा रहा है BMC का कि यहाँ से फीडिंग बंद किया जाए, मतलब क्यों? बाला साहब ठाकरे का ये सपना तो था नहीं कि यहाँ से महाराष्ट्र की खूबसूरती ख़त्म की जाए। तो मेरा आंदोलन ये है, महाराष्ट्र से भी है, मुंबई से भी और हिंदुस्तान से भी, सेफ बर्ड्स। थैंक यू।
जय हिंद जय भारत। बचाना जरूरत जो है उनको बचाना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं बचाए जाएंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पिछले दिनों कबूतर ही नहीं गौरैया जो पक्षी है जिसको कि गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको अपना राष्ट्रीय पक्षी सॉरी प्रादेशिक पक्षी घोषित कर रखा है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं। और अगर ये पक्षी और ये चिड़ियाँ हैं कबूतर हैं अगर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोगों का भी जीना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यही लोग हमारी चीज़ों के लाइफ से हटाती रहती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कबूतर और पक्षियों का बचाव होना, इनको सुरक्षा देना और इनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना है। जिस तरह से बीएमसी हमारे पक्षियों को या परिंदों को घरों से बेघर कर रही है और विरोध प्रदर्शन रखा है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली तो ये बीएमसी का काम ही नहीं है, बीएमसी मस्ट सेव नेचर, उसके बदले दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर। जो एक बैलेंस होना चाहिए। टुडे वी आर फेसिंग 42 डिग्री हॉट, कितना गर्मी है सब लोग महसूस करते हैं। ये पूरा जंगल आर्य कॉलोनी ने किसने बनाया? पंछियों ने। मैंने अगर पंछियों को नष्ट किया जाएगा तो जंगल बढ़ेगा नहीं। एक बाजू जंगल काटते हैं, एक बाजू मेट्रो बढ़ता है। तो वी मस्ट सेव नेचर, सेव बर्ड्स, और इस पूरा एक नेचर का जो बैलेंस है, और ये तो शांति का दूत है और शांति का प्रतीक है। तो इसको अगर दाना पानी नहीं देंगे तो तरफ के मरेंगे, तो ये पाप किसको छोड़ेगा नहीं। मैंने ये तो बड़े बड़े नेता का है, आज भी आप 50 साल पहले देखो नेहरू जी का भी दिखाई देंगे कि भाई कबूतर को दाना डालते हैं, मोदी जी गुजरात में आओ कि कबूतर को दाना डालते हैं। तो ये बीएमसी को कोई बिल्डर ने कंप्लेन कर दिया, मैंने खाली बिल्डर लॉबी को सेव करने के लिए ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है। ये कम से कम 50 साल पुराना है, दिस इज हेरिटेज ऑफ बॉम्बे। Why they want to destroy, we don't understand. And who is behind this, all this pigeon? We must save birds and save all nature to have equal balance.